हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में जो कि हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक टॉपिक है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के अंदर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि उस कंपनी की पिछले टाइम की क्या परफॉर्मेंस है हम देखते हैं कि उस कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है गोल्स क्या है उस कंपनी से रिलेटेड हम अदर न्यूज़ को सर्च करते हैं पर हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं जो कि पब्लिक के अंदर अवेलेबल है हम जो कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन है उसको जान नहीं सकते तो अगर हमें कंपनी की कोई क्रूशल इंफॉर्मेशन पहले से ही पता चल जाए किसी अंदर के इम्प्लॉयज़ के द्वारा तो उसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी का कोई एम्प्लॉई या कोई भी डायरेक्टर हो गया तो वो हमको कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन पहले से ही बता दे तो उसको हम बोलेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग अब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें दो टाइप की मिलती है जैसे कि पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि होती है कंपनी में कोई नई चीज़ लॉन्च होने वाली है जिसकी वजह से कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट होगा नेगेटिव में आती है कि जैसे कंपनी में कोई फ्रॉड होने वाला है या कुछ लॉस होगा तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें या फिर फ्यूचर में उसमें इन्वेस्ट ना करें इन सिचुएशन के अंदर हमें दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए काफ़ी कंट्रीज़ में इंसाइडर ट्रेडिंग जो होती है उसको फ्रॉड मानते हैं और इलीगल माना जाता है इंक्लूडिंग इंडिया अब ये इलीगल क्यों है उसके बारे में हम बात करते हैं ये इलीगल दो रीज़न की वजह से होती है फर्स्ट वन इज़ मोरली रॉन्ग एंड अनफेयर रॉन्ग इसलिए है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है वो सबके लिए अवेलेबल तो नहीं है सिर्फ कुछ लोगों के लिए अवेलेबल है जिससे कि वो ये कंपनी के अंदर उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना वो देखते हैं तो इसलिए सबके लिए अवेलेबल नहीं है इस वजह से ये रॉन्ग है सेकेंड है इन्वेस्टर में लूज दर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द मार्केट अब अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो कुछ लोगों को पता है तो जो बाकी लोग हैं उनको तो इसके बारे में बहुत बुरा लगेगा और उनका जो मार्केट के ऊपर ट्रस्ट है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इसके बाद आता है हमारा इंसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते हैं इंसाइडर ट्रेडिंग बिकम अ सीरियस क्राइम इन द कैपिटल मार्केट बिकॉज इट ट्रेंड्स अपॉन द फेथ और फेयर डीलिंग ट्रेडिंग बाय एन इनसाइडर ऑफ अ कंपनी इन द शेयर ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट अ वोलेशन ऑफ लॉ Uh, what is prohibited is the trading by an insider in the breach of trust or confidence in the stock of a company. On the basis of non public information to the excursion of others, the degree of violation and penalties differ widely from country to country and is considered one of the most serious crimes on the faith of fair dealing in the capital market. Trading by an insider of a company in the share of a company is not per se a violation of law. इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत ही सीरियस क्राइम माना जाता है ये इसलिए बेकार है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है फेयर डीलिंग के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं इसके अंदर क्या होता है जो ये एक तरह का वॉयलेसन भी है लॉ का क्योंकि इंडिया के अंदर बिल्कुल इलीगल uh, माना जाता है और ये प्रोहिबिटेड है अगर किसी uh, कुछ लोगों के पास पहले से ही अंदर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उससे बाकी लोगों का जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है मार्केट के अंदर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा इसके बाद आता है इनसाइडर ट्रेडिंग रेफर्स टू अ ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी ऑफ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी बाय एनी इंसाइडर और एनी कंपनी कनेक्टेड विद द कंपनी बेस्ड ऑन एनी मटेरियल येट नॉट पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन विच हैव द एबिलिटी टू इम्पैक्ट ऑन साइड कंपनी सिक्योरिटी मार्केट प्राइस फॉर देयर पर्सनल एडवांटेजेस कॉर्पोरेट इंसाइडर एज इम्प्लॉय डायरेक्टर मैनेजर एंड अदर कनेक्टेड पर्सन गेट एक्सेस टू द क्रिटिकल प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इजिली जो कि हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं डायरेक्टर्स होते हैं मैनेजर्स होते हैं उनके पास कंपनी की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो अगर मार्केट के अंदर लीक कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंसाइडर ट्रेडिंग डीज पर्सन हु मेक द प्रॉफिट और अवॉइड लॉसेज आर नोन एज इनसाइडर टू पुट इट इन डिफरेंटली एन इनसाइडर इज अ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड Or had access to such information or is so connected with the company that is reasonable to expect that he would have had access to such information. The person who trades or tips to any information violate the law if he has a fiduciary duty or other relationship of trust and confidence, not to the use of information. Trading is also prohibited when a person who receives information, though a confidential relationship use the information for his or her own trading or tips to others. इसके अंदर जो पर्सन होता है जिसको प्रॉफिट हो रहा होता है या फिर लॉस हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं इनसाइडर और जो भी हमारी प्राइस सेंसिटिव इंफॉमेसन को उसको बाहर लीक करता है उसको बोल देंगे हम इनसाइडर ट्रेडिंग इसके बारे में आता है हमारा जो भी पर्सन जो टिप्स या इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है वो जो वो वॉयलेट कर रहा है लॉ को और बाद में उसके लिए इसके अंदर हमारे लॉ के अंदर बहुत सारी पेनल्टीज भी लिखी गई है जो कि वो बाद में हमें देखने को मिलती है अब इंसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने कुछ अमेंडमेंट्स दिए है उसके बारे में हम देखेंगे तो इन्साइडर के लिए कुछ अमेंडमेंट्स दिए है उसके अंदर आता है द डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड पर्सन जो कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन है वो हमारी दी गई है रेगुलेशन टू सी के अंदर जिसके अंदर ये बताया हुआ है जो भी पर्सन कनेक्टेड है मतलब जो भी इंसाइडर पर्सन है उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज है मतलब उसको क्या क्या पनिशमेंट मिलेगी बाद में फ्यूचर में और उसने किस टाइप का मतलब फ्रॉड किया है उसको अकॉर्ड देख के ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग उसकी पेनल्टीज बताते हैं द डेफिनेशन ऑफ इंसाइडर वॉज मॉडिफाइड एंड द वर्ड बाई वर्च्यू ऑफ सच कनेक्शन फ्राम द डेफिनेशन सेबी एग्रीमेंट इन द हिंदुस्तान यूनिलीवर केस दैट द एक्वाइजेशन ऑफ यू पी एस आई यू पी एस आई का मतलब है इंफॉर्मेशन बाई एन इनसाइडर कुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इनसाइडर कनेक्शन विद द कंपनी वाज़ अपेल्ड बाय द एपीलेट अथॉरिटी ऑन सिमिलर लाइंस बाय द मैमेंडमेंट इन टू थाउजेंड टू द सेवीडर्ड द लॉ टू अवॉइड एनी कॉन्टर इंटरप्रटेशन इन फ्यूचर तो जो सेबी ने ना गाइडलाइंस दी थी आ, हिंदुस्तान यूनिवर के केस में तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन आती है इनसाइडर की इसके बाद आती है हमारी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसके अंदर इसकी क्या क्या डेफिनेशन लिखी गई है सेबी के अंदर उसके अंदर आता है हमारा टू सबसेक्शन एच ए और सेकंड आता है रेगुलेशन टू के के अंदर अनपब्लिश्ड वॉज एन डेफिनेटली सेपरेटली एज इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट पब्लिश्ड बाय द कंपनी और इट्स एजेंट एंड इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर वो इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है अनपब्लिश्ड उसका नाम है उसके बाद आता है द एक्सप्लेनेशन टू द प्रोविजन स्टेटेड दैट स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर नॉट कंसिडर टू भी पब्लिड द टर्म प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वॉज डिफाइंड एनी इन्फॉर्मेशन विच रिलेट डायरेक्टली और इंडायरेक्टली टू अ कंपनी एंड विच इफ पब्लिड इज लाइकली टू इफेक्ट द प्राइज़ ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी जो हमारा अनपब्लश्ड होता है वो वो इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिकली पब्लिश uh, नहीं है और वो बिल्कुल कंपनी की अंदर की इंफॉर्मेशन है जो बाहर मतलब अंदर के एम्प्लॉय ने बाहर लीक कर दिया है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंदर आता है वो इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड हो और जो कि पब्लिकली पब्लिश नहीं है प्रोविजन ऑन इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर आता है हमारा दमेंडमेंट ऑफ़ कन्फर्ड से बी विद एडिशनल पावर टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन अगेंस्ट एन इंसाइडर टू इस्टेब्लिश द लाइबिलिटी फॉर वॉयलेशन ऑफ इंसाइडर रेगुलेशन इसके अंदर से बी ने कुछ पावर्स दी गई है जिससे कि बाद में वो इंक्वायरी बिठाते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं कि जिस पर्सन ने ऐसे इंफॉर्मेशन को लिख करा है उसके ऊपर Prior to the amendment, SEBI could not proceed with an action for insider violation if the SEBI did not have written information about the violation. However, now the requirement of written information to be the possession of SEBI has been dispensed. Now SEBI can initiate investigation by appointing an investigating authority. If SEBI is on the prima facie opinion, that if it is necessary to investigate. अब इसके अंदर क्या होता है फर्स्ट पॉइंट में था हमारा कि जो सेबी है वो इसके बारे में इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेट uh, करता है सेकंड में है कि वो कुछ पर्सन को अपॉइंट करता है जो कि इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर होते हैं कुछ मेंबर की कमेटी बिठाता है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं थर्ड पॉइंट में आता है हमारा द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू मोर कैटेगरी सच एज स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल फंड अदर पर्सन एसोसिएटेड विद दिस सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीड्री एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन इन द सिक्योरिटी मार्केट इसके अंदर जो कुछ कैटेगरीज़ है उनके बारे में हमें एक्सप्लेन किया गया है इसके बाद आता है हमारा द टाइम फ्रेम ऑफ वन मंथ टू कम्प्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हैज़ बीन सब्सटिट्यूटेड बाय द रीज़नेबल टाइम इसके अंदर जो हमारा टाइम पीरियड गिवन है वो है वन मंथ का इसके बाद हमें कंप्लीट करनी पड़ती है अपनी इन्वेस्टिगेशन और सबमिट करनी पड़ती है इसकी जो रिपोर्ट है सेबी विल बी एडिकुएट टाइम टू कैरी आउट डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन एज रिक्वायर्ड एंड कलेक्ट एविडेंस बिफोर कंक्लूडिंग द लाइब्रिटी ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग ऑन एन इनसाइडर इसके बाद जो है सेबी बिल्कुल उसको केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है और सारे एविडेंस को कलेक्ट करके बाद में उसको देखा जाता है कि उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी पेनल्टी के अंदर कुछ केसेस के अंदर फाइव ईयर्स होता है और कुछ में फिफ्टी फिफ्टी ईयर और फिफ्टी करोड़ तक की भी पेनल्टी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है टाइम लिमिट ऑफ ट्वेंटी वन डेज वॉज प्रेसक्राइब टू अ पर्सन हु हैड फाइल अ रिप्लाई अपॉन रिसिपेंट ऑफ द कम्युनिकेशन विद द फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो रिप्लाई होता है वो ट्वेंटी वन डेज़ के अंदर उस पर्सन को दिया जाता है जो भी इसके ऊपर केस करता है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही आज की इस वीडियो में हमने जाना था इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में तो थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें